सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें और बढ़ती ही जा रही हैं। उनके घर पर कुर्की का नोटिस चश्मा कर दिया गया है। अनुराग भदौरिया पर सीएम योगी और उनके गुरु पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है और FIR दर्ज होने के बाद से सपा प्रवक्ता फरार हैं, जिसके बाद कुर्की की नोटिस चश्मा किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अनुराग भदौरिया की बड़ी मुश्किलें, घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा, सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप, भाजपा नेता ने दर्ज करवाई थी FIR। फरार चल रहे हैं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें और बढ़ती ही जा रही हैं। FIR दर्ज होने के बाद अब उनके घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। आपको बता दें कि अनुराग भदौरिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। दरअसल सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक टीवी डिबेट के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर हंगामा छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर भाजपा नेता ने एक FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद से अनुराग भदौरिया फरार है। कानूनी दांव पेच के जरिए गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे अनुराग भदौरिया पुलिस को लगातार चकमा दे रहे हैं और पुलिस लगातार सपा प्रवक्ता को पकड़ने के लिए दबिशें दे रही है, लगातार कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। लखनऊ पुलिस ने सपा प्रवक्ता के घर पर भी छापेमारी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने उनके इंदिरा नगर आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें कहा गया है कि अगर पुलिस के सामने सपा प्रवक्ता नहीं हाजिर होंगे तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि FIR दर्ज होने के बाद अनुराग भदौरिया ने हाईकोर्ट की शरण ली थी ताकि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग सके, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि याची के पास अग्रिम जमानत लेने का विकल्प खुला हुआ, लिहाजा गिरफ्तारी पर रोक का आदेश नहीं दे सकते। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि नोटिस चस्पा होने के बाद अनुराग भदौरिया पुलिस के सामने हाजिर होते हैं या नहीं। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।